okay children now uh, question number 13 from miscellaneous exercise is saying assume that the chance of a patient having heart attack is 40% uh, it is also assumed that meditation and yoga course reduces the risk of heart attack by 30% and prescription of drug reduces by 25% at a time a patient is chosen and um, he can opt for any of the two options there okay so it is given that after going through one of the two Options The patient selected at random would suffer from heart attack. You have to find the probability that the patient followed the course of meditation and yoga. Okay, now you need to understand the question first what all is given to you. Okay, so uh, you have been told that. डीशन जो है इसमें गिवन कंडीशन है पर्सन है हार्ट अटैक तो यह हमारा इवेंट ए हो जाएगा जो गिवेन कंडीशन होती है उसे हम ए से डिफाइन करते हैं राइट सो द पर्सन हैड अटैक विल बी टेकन एज इवेंट ए जिसका प्रॉबिलिटी हैज बीन मेन्शन एज प्रॉबेबिलिटी ऑफ हैविंग हार्ट अटैक इज फोर्टी परसेंट फोर्टी पॉइंट हंड्रेड विच बिकम जीरो पॉइंट फोर ओके अभी उसने फिर आपको टू वेज

तो अगर थर्टी परसेंट रिड्यूस हुआ तो लेफ्ट ओवर नहीं हुआ तो लेफ्ट ओवर हो जाएगा हंड्रेड माइनस थर्टी सेवेंटी परसेंट दैट मीन्स सेवेंटी परसेंट है कि हार्ट अटैक हुआ हो ऑल राइट इन स्पाइट ऑफ मेडिटेशन राइट सो बट सेवेंटी परसेंट ऑफ क्या सेवेंटी परसेंट ऑफ पीपल हु हैव हार्ट अटैक पूरे पॉपुलेशन का नहीं लोगे आप जिनको हार्ट अटैक हुआ उसका फोर्टी परसेंट सो दिस इज बिट टिपिकल इन दिस क्वेश्चन कंपेयर टू रेस्ट ऑफ देम सीधे-सीधे प्रॉबिलिटी गिवन होती है इसमें हम कहेंगे कि सेवेंटी परसेंट लोगों को हार्ट अटैक हुआ इन स्पाइट ऑफ दिस ओके तो जिनको हार्ट अटैक हुआ उसका आपको सेवेंटी लेना पड़ेगा okay? so,

देन 25 परसेंट रिड्यूस होता है तो मतलब हार्ट अटैक होने के चांसेस फिर भी कितने रहते हैं सेवेंटी परसेंट लेकिन किसके सेवेंटी हार्ट अटैक के ओके okay? तो ये हार्ट अटैक वाला प्रोबेबिलिटी जब गिवन है तो मींस ये टोटल पॉपुलेशन से नहीं हमने एक्सट्रैक्ट करना है सिर्फ जिनको हार्ट अटैक हो रहा है उनकी बात हो रही है सो इसलिए ऑफ जीरो पॉइंट फोर भी लेना पड़ेगा आपको ओके सो मल्टीप्लाइंग दिस विद दिस यू गेट जीरो पॉइंट थ्री जीरो इज द

प्रोबीबिलिटी ऑफ ई वन प्रोबिलिटी ऑफ ए आफ्टर ई वन अपॉन प्रॉबिलिटी ऑफ ई वन प्रोबिलिटी ऑफ ए आफ्टर ई वन प्लस प्रोबिलिटी ऑफ ई टू प्रोबिलिटी ऑफ ए आफ्टर ई टू ये सारी प्रॉबीबिलिटीज हमारी ऑलरेडी वर्कआउट है एंड ये अफकोर्स ये हमको और उसने मैंशन किया है कि देर इज इक्वल ऑप्शन और इक्वल प्रॉबिबिलिटी चांस दैट दे कैन आईदर टेक मेडिटेशन और ड्रग तो इसकी इसने इक्वल प्रॉबिलिटीज दी थी तो दैट बिकम्स वन बाई टू वन बाई टू ईच प्रोबिलिटी ऑफ ई वन एज वेल एज ई टू इज हाफ ऑफ ईच बिकॉज आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी थी एनी ऑफ द टू ऑप्ट करने की ओके सो पुट ऑल दो वैल्यूज यो हाफ हाफ तो आपका कॉमन लेके कैंसिल हो जा रहा है रिमेनिंग दिस विल प्लस आउट हाँ सॉरी बेटा सो प्लस करके योर प्रॉबेबिलिटी इज कमिंग एज फोर्टीन अपॉन ट्वेंटी नाइन नेक्स्ट द फोर्टींथ वन चिल्ड्रेन इट इज सेंग दैट इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज आई दीरोन वट इज द प्रोबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव Okay, assuming that individual entry in the determinant are chosen independently means all of them will have probability one by two, one by two each. That has nothing to do with it anyhow. So what are we going to do in this? Is simply that, see, you have a two by two determinant. How many entries will be there in two by two determinant? Four entries. One, two, three, four entries. Okay, and her entry ya zero ya one. You have two choices hai for every entry. सो फॉर द फर्स्ट प्लेस यू हैव टू ऑप्शंस फॉलोड बाय इनटू सेकंड आल्सो ऑल्सो टू इन टू 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 सो टू टू दार ऑफ फॉर हो जाएंगे आपके टोटल डिटर्मिन दैट कैन बी फॉर्म्ड जीरो वन फिट करके आप इतने टोटल डिटर्मिन बना सकते हो 16 अभी उसमें से वी हैव टू पिकअप दंस विच विल बी पॉजिटिव तो पॉजिटिव कब होगा जब लीडिंग डायगोनल आपका ज़्यादा होगा बिकॉज हाउ डू यू फाइंड डिटर्मिनेंट दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस तो ऑफ डायगोनल वाला नेगेटिव में जाता है तो अगर नेगेटिव बड़ा हो जाएगा तो डिटर्मिनेंट नेगेटिव हो जाएगा तो हमारे डिटर्मिनेंट के पॉजिटिव होने के लिए लीडिंग डायगोनल वाले को पॉजिटिव होना है ओके okay? और वो पॉजिटिव तभी होगा बिकॉज वी जस्ट हैव टू चॉइसेस तो हमने ये इसके ऑप्शंस बना लिए दीज आर द ओनली पॉसिबिलिटीज़ व्हेन यू विल गेट अ पॉजिटिव डिटर्मिनंट व्हेन दिस विल बी वन 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 हियर वी कैन हैव बोथ जीरोस और मे बी वन ऑफ देम इज जीरो सो ओनली थ्री डिटर्मिनेंट्स ऐसे आ रहे हैं बाकी अगर यहाँ पे एक जगह जीरो आ जाता है तो आपका लीडिंग डायगनल फिर गवर्न करने लगेगा या जीरो डिटर्मिनंट होगा ओके सो फॉर पॉजिटिव फेवरेबल आर थ्री टोटल पॉसिबल डिटर्मिनेंट्स व सिक्सटीन तो आप इसको ऐसे करो ओके okay? उसका हिंट से डोंट गेट कन्फ्यूज